का वीडियो में दो चीज देखने को मिलेगा, दो से तीन चीज देखने को मिलेगा, वो भी गजब का देखने को। सो हे व्हाट्स अप गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो अभी बज रहे हैं 4, आफ्टरनून के अभी 4 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा आप लोगों को। चलिए बता ही देते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये जो वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा कार लवर जो होगा उन्हीं को ज़्यादा पसंद आएगा, मतलब कार हो या बाइक हो, पसंद तो सभी को आता है ज़्यादातर की। तो आई होप सभी को पसंद आएगा, बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। जो चीज़ दिखाएंगे आज, जो कार दिखाएंगे, ऐसा आगे हुआ होगा कि मेरे को नहीं मालूम, अगर हुआ होगा तो मेरे को बताना, शायद मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है किसी ने दिखाया होगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, उस पार जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उस पार जा रहे हैं फिरोज़ भाई का, उधर अपना फैक्ट्री है जहाँ पर पेंट वगैरह का काम होता है। फोर व्हीलर का काम इधर ही होता है अपना घर का पास ही, और जो बाइक वगैरह जिसका सब मॉडिफिकेशन ये हो या कलर या जो भी हो, वो अपना फिरोज़ भाई का घर के पास ही होता है, क्योंकि उधर ज़्यादा स्पेस नहीं है, शायद ऐसा कुछ होगा, इधर ही फोर व्हीलर काम होता है। तो अभी चलते हैं उधर ही, इस पार से उस पार जाना पड़ेगा मेरे को। अभी चलते हैं उधर और दिखाते हैं गाड़ी में क्या है और क्या था वो गाड़ी और क्या बन चुका है। और जो बन चुका है आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक अपडेट है। ये गाड़ी और जो बनेगा ना, बहुत ही ख़तरनाक बनेगा, मतलब ये कह सकते अपना ईस्टर्न इंडिया में तो 100% नहीं होगा ऐसा कार जब वो बन जाएगा। अभी दिखाएंगे तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है ये गाड़ी पूरा फिनिश होने के बाद। तो चलिए मिलते हैं कार के पास। तो गाइस हम आ गए इधर फिरोज भाई का, इधर जो काम होता है सुपर कार बोले, मतलब सुपर कार बोलोगे सुपर कार आ गया, सुपर कार नहीं, ऐसा नॉर्मल कार का मतलब पेंट वगैरह मॉडिफिकेशन वगैरह जो सब काम होता है सब इधर ही होता है। और ये रहा गाड़ी, रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर में। और मैंने पहले बोल दे रहा हूँ ये बात कि अभी ये गाड़ी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है। थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस आपको दिखाते हैं, मतलब स्टॉक गाड़ी से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कैसा लुक्स आया है। अभी बहुत कम बाकी है, मतलब 20-30% सिर्फ काम हुआ है, अभी बहुत कम बाकी है इसका। तो अभी दिखाते हैं, मतलब आप लोगों को ये सब देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि गाड़ी में क्या चेंजेस होने वाला है, जब गाड़ी पूरा कंप्लीट होगा तो गाड़ी कैसा लगेगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग। तो ये रहा गाड़ी, ये जो गाड़ी है ये स्टॉक पेंट में पहले से नहीं था, पहले पेंट हो चुका था। तो आप लोगों को ये सब देख के पता चल ही गया होगा कि ये स्टॉक पेंट नहीं था, मतलब मॉडिफिकेशन होने से पहले भी एक बार ये पेंट हो चुका था। जो ओनर है उनको लगा होगा कि कुछ चेंजेस लाना चाहिए। सो ये देखिए सामने से गाड़ी का लुक ऐसा आता है, आप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से बोले 20-30% सिर्फ काम हुआ है। सो आप लोग देख के पता कर ही सकते हो कि जब पूरा लुक्स आएगा गाड़ी का, पूरा चेंज होगा, तो उसमें क्या आएगा। एक गाड़ी है जो उसका बोनट में भी ऐसा किया होता है, पूरा डेटो नहीं बट लुक लाइक ऐसा ही रहता है। और बताइए, कमेंट करना वो क्या गाड़ी है। ये कार का जो व्हील है ये वाइड व्हील लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा बॉडी से बाहर निकला हुआ है, और पीछे से ऐसा कोई लुक्स वाइज चेंज नहीं है। और इस गाड़ी में जो होने वाला है सबसे अलग लगेगा, जो अलग बात है इसमें कि ये पूरा गाड़ी एयर ब्रशिंग से काम होने वाला है, एयर ब्रशिंग काम होगा पूरा गाड़ी का। और लुमिनोर जो पेंट होता है, लुमिनोर पेंट के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो जेस फिल्म्स बाजी का वीडियो देखते हैं तो उन्हीं का वीडियो से पता चल गया होगा। और ऐसा कार में कोई अभी तक लुमिनोर शायद ही किया होगा, मेरे को तो लगता है कोई नहीं किया, फिरोज भाई तो बोला अभी तक किसी ने शायद नहीं किया है। तो ये कार में लुमिनोर होने वाला है और एयर ब्रशिंग का काम होने वाला है, वही होगा सबसे अलग, मतलब एक कार में लुमिनोर का पेंट होगा और एयर ब्रशिंग का काम होगा। और इसका जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प भी चेंज है और उसका डिज़ाइन कलर वाइज सब चेंज है। तो ये वीडियो, ये कंप्लीट वीडियो, मतलब इस गाड़ी का कंप्लीट वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आएगा तो ज़रूर आप लोगों को मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। जो कार लवर्स है स्टे ट्यून फॉर दैट, बहुत गजब का कार होने वाला है। तो चलते हैं अभी फिरोज भाई के पास, उधर जाके और एक यूनिक चीज़ दिखाने वाला है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी मतलब पूरा रेडी हो गया। वो बाइक है, सुपर बाइक है, वो सुपर बाइक है, वो पूरा रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं उधर, दिखाते हैं आपको कि वो क्या है और उसमें जो हुआ है वो भी गजब का काम हुआ है। चलिए मिलते हैं थोड़ी। और ऐसे भी आज थोड़ा मेरा इधर कुछ काम था, सो इसीलिए सोचे काम में जाना है तो
फिरोज भाई का मतलब जहाँ काम होता है फिरोज भाई का घर उधर ही पड़ता है, तो ये यूनिक चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक चीज़ दिखा दी अभी तक और एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं। पहले मेरा काम निपटा लेते हैं, 2-3 काम है मेरा और वो काम निपटा के फिर चलते हैं फिरोज भाई के पास। और ऐसे भी आज रोड बहुत भरा हुआ है गाड़ी से, क्योंकि इधर कल लॉकडाउन था थर्सडे को और आज फ्राइडे है। फ्राइडे आज लॉकडाउन नहीं है, आज खुला है, और फिर कल सैटरडे, सैटरडे को फिर से लॉकडाउन है कोलकाता में। कोलकाता में पूरा बंगाल में ही है, शायद वीक में 2 दिन करके लॉकडाउन होगा अभी, ऐसा जैसे सुनने में आया है कि 2 दिन करके लॉकडाउन होगा हर वीक में। सामने वीक में शायद वेडनेसडे होगा, देखते हैं ये लॉकडाउन का चक्कर कब ख़त्म होता है। यार आप लोग वीडियो देखते रहिए, अगर कोई भी कारण से वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी तक अच्छा नहीं लगा हो तो आगे देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कमेंट करना आप लोगों को मन में जो भी थॉट्स आए और जो भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे देंगे, लिंक आप लोग फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम नेम आ जाएगा स्क्रीन पे, सेम नाम से है, अली मोटर ब्लॉग्स नाम से भी इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग उधर जाकर फॉलो कर लेना। और कोई भी इंक्वायरीज हो, कोई भी वीडियो लेके, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो ज़रूर से पूछ लेना, सभी को रिप्लाई करते हैं इंशाल्लाह, आप लोगों को भी करेंगे, जो भी हो पूछ लेना। अभी आ गए फिरोज भाई के पास, ये रहा फिरोज भाई, पीछे देख ही सकते हो तो बाइक पॉलिश हो रहा है अभी। और एक मसला आ रहा है कि ये व्हाइट मार्क्स है, वो भी व्हाइट मार्क्स है, तो इसको उतारते जब तब क्लियर आ रहा है, फिर जब उतार दीजिए एक बार तब क्लियर आ रहा है, अगर पहन ले रहे तो फिर ब्लैक आ रहा है, इसीलिए थोड़ा देर के लिए खोल के रखते हैं मार्क्स, बाहर नहीं जा रहे हैं। और हम लोग एक अंदर जगह में है, हम लोग पब्लिक प्लेस पे नहीं है, पब्लिक प्लेस पे नहीं है, एक सेपरेट है, मतलब इधर गेट है तो इसका अंदर ही है, बाहर जाएंगे तो फिर पहन लेंगे, कोई बात नहीं। और अभी ये दोनों बाइक पॉलिश हो रहा है, पीछे जो बाइक है उसका एक अलग चीज़ है, वो क्या है फिरोज भाई बता दीजिए। हम लोग अदनान भाई का भूसा में काम किए हैं और ये ऑलमोस्ट आई थिंक इंडिया का शायद फर्स्ट ऐसा आया भूसा है जिसमें क्लियर क्लच कवर लगा हुआ है। आप लोगों को सिनेमैटिक्स में देखने को मिल गया, आप लोगों को सिनेमैटिक्स में जो देखने को मिला है उसमें हम लोग ने बॉडी फैब्रिकेशन का भी वर्क किया है और फर्दर बाइक में फुल्ली कस्टम पेंट जो हुआ है, एयर ब्रशिंग का पेंट स्ट्रिप डाला गया है और उसमें और एक स्पेशल पेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 शेड्स ऑफ कमेडियन, वो आपको हनीकॉम शेड में मिलेगा। और उसमें हम लोग क्या किए हैं कि 7 शेड जब देते हैं उसमें 7 अलग अलग कलर्स मिलेगा आपको देखने के लिए। कैमिलियन नॉर्मली मार्केट में बहुत मिलता है, रैप भी मिलता है, लेकिन उसका हाइपर शिफ्टिंग नहीं मिलेगा जो ये आपको फील मिलेगा इसमें। और बाकी जो है पूरा मेटल फ्लेक्स से काम किया गया हुआ, उसमें हनीकॉम का शेड दिया हुआ गया हुआ और पेंट शिफ्टिंग का भी काम किया हुआ है। अच्छा, तो भाई ये हो गया इसका डिटेल्स, मतलब क्या क्या हुआ है बाइक में, क्या क्या नहीं हुआ है। और अगर कोई करवाना चाहते हो तो नंबर भाई का हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल कर लेना। और मैंने घर से आते वक्त आपका उधर जो फैक्ट्री है उधर गए थे, आपका जो आपका जो फोर व्हीलर हो रहा है वो वरना में कस्टमाइजेशन हम लोग को करना है और उनका मैं वो गाड़ी पे पूरा फुल टारगेट रखा हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ वो गाड़ी में। और जो ओनर है उनका नाम है स्नेहाशीष है, वो मेरा भाई जैसा है, दोस्त जैसा है और पूरा गाड़ी में मतलब मैं जो भी काम कर रहा है वो भाई दोस्त जैसा बन ही जाएगा, बन जाता है ऑटोमेटिकली, बन जाता है, कुछ बोल नहीं सकते। अपना कलकत्ता का नाम ही है सिटी ऑफ जॉय और वो सब जॉय से हम लोग मिलते हैं, हो जाता है अपना। और वो गाड़ी में मैंने जो टारगेट लेके चल रहा हूँ कि पूरा गाड़ी
बम्पर टू बम्पर एयर ब्रशिंग पेंट जॉब में रहेगा, कुछ भी स्टिकरिंग नहीं रहेगा। एयर ब्रशिंग पेंट अभी भी शायद नहीं हुआ, अभी तक शायद नहीं हुआ, वो स्टार्टिंग हो रहा है उसमें। और एक चीज उसमें मैंने टारगेट रखा है, उसमें लुमिलोर करूंगा मैं। लुमिलोर एक पेंट है जो उसको 12 वोल्ट का पावर सप्लाई जरूरत होता है और अच्छा। वो पेंट इमिट होता है, ग्लो करता है। अच्छा भाई एक चीज पूछना था कि मैंने पहले बोला है वीडियो में, ये शायद इंडिया में है क्या फोर व्हीलर में कुछ? नहीं अभी तक तो फिलहाल नहीं है, ये पहला ऐसा गाड़ी हो रहा है जो फर्स्ट फोर व्हीलर हो रहा है जिसमें लुमिलोर होने वाला है। ये फर्स्ट है, ये पूरा फर्स्ट इंडिया में ये फर्स्ट कार होगा जिसमें लुमिलोर होगा। ये तो सब ठीक है, लेकिन वो कम्प्लीट देखने को कब मिलेगा? वो तो सरप्राइज है। आपको सिनेमेटिक शॉट्स भी मिलेगा और प्रोसेसिंग भी देखने मिलेगा और पेंट भी मिलेगा। फिर भी मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए आफ्टर एक मंथ मतलब बहुत लंबा काम होने वाला है। थोड़ा तो लंबा काम होगा ही, इंडिया का पहला टारगेट ले रहा हूँ तो कुछ तो टाइम लगेगा। मतलब वो इंडिया लिस्ट में आ जाएगा उसमें मैं पूरा फुल टारगेट रखता हूँ। तो अभी हम निकल पड़े हैं अपना कस्टम कोटिंग के वर्कशॉप से। कस्टम कोटिंग यानी कि फिरोज भाई का कंपनी का नाम है कस्टम कोटिंग, क्योंकि उधर बहुत सारा कस्टम काम होता है बाइक और कार के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा आज का, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई नहीं है, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले थोड़ा बहुत आप लोगों का सब्सक्राइब देख के और लाइक देख के कमेंट देख के। और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे डीएम करना, अपन सबका रिप्लाई देता है, सभी का रिप्लाई देगा इंशाल्लाह। और अगर कोई कस्टम वगैरह की जानकारी चाहिए, कस्टम कोटिंग रिलेटेड मतलब फिरोज भाई रिलेटेड कोई पेंट कराना हो या फिर कस्टम कुछ काम कराना हो बाइक कार में, वो जो भी बाइक हो जो भी कार हो सभी का काम करता है। तो मत सोचना कि सिर्फ सुपर बाइक का ही या फिर प्रीमियम कार का ही काम होता है, सभी बाइक का सभी काम होता है, लेकिन क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी का काम होता है। सो आप लोग प्राइस वगैरह क्या होगा नहीं होगा वो हम प्रॉपर बता नहीं पाएंगे, तो आप लोग फिरोज भाई को कॉल कर लेना, नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कॉल करके पूछ लेना क्या क्या क्वेरीज है आप लोगों का। और अभी चलते हैं घर को, वीडियो को जो जो करना पड़ता है मैंने तो बता ही दिया, और क्या बताएगा, आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग जानते ही होंगे, तो कर देना जो जो करना पड़ता है अगर अच्छे लगे तो। और मिलते हैं जल्दी किसी अच्छा सा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बी सेफ, बाय बाय।